हम सर इसमें कर रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग है, डेमोस्ट्रेशन कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी हाइब्रिड लगाई की है सर, उसमें सर इस प्रदर्शनी का आनंद लें। किसानों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अलग अलग जिला में उनके माध्यम से नवंबर में रखा गया और हम अपने एम्बेसडर के नाम से भी बुलाते ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लेबलिंग एंड ब्रांडिंग जैसे मशरूम है इसकी ब्रांडिंग नहीं होती है, हमने ये इंट्रोड्यूस किया है, ये भी लोकल प्रोड्यूसर सर लोकल हटा दो इसी क्रम में दूसरी पुस्तिका भी कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रकाशित की गई है जिसका शीर्षक है खेती में अच्छा काम किया है उनका विमोचन का आग्रह करता हूं। पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स मुख्य अतिथि जी से अनुरोध है कि आप इसका विमोचन करें। धन्यवाद अतिथि। गन्ने की खेती का प्रशिक्षण दिया गया, इसके बाद इन्होंने गुड़ बनाकर नेट इनकम है जो शुद्ध आय है। दूसरे किसान हैं, बेसर हैं, ना केवल खुद से बल्कि इनके साथ लगभग 100 किसान और जुड़े हैं। तो ब्रीड है पोल्ट्री की, इसमें महारत हासिल की है। क्या ये फ्लोरिकल्चर अपने फूलों की खेती और सब्जियों की खेती में मंच पर विराजमान इस कृषि विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति डॉक्टर जेपी शर्मा जी, मेरे सहयोगी सलाहकार जनाब फारूक खान साहब, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के प्रधान सचिव कृषि श्री नवीन चौधरी जी, आईसीआर से आए हुए डॉक्टर राजवीर सिंह जी, जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एमा साहब, जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर मनोज धर साहब, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिन्हा जी, श्री चंद्र प्रकाश गंगा जी, श्री देवेंद्र मान्याल जी, विश्वविद्यालय कृषि विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापक गण, इस कृषि विज्ञान केंद्र के
निदेशक महोदय, सभी वैज्ञानिक, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारीगण तथा सम्माननीय किसान बहनों और भाइयों, मित्रों, जब 1964 में कोठारी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था, तब शायद पहली बार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तकनीक और वैज्ञानिक एक्सटेंशन बनाने की बात हुई थी, ताकि ऐसे संस्थान उसके आसपास बन सकें जिससे किसानों को ज्ञान के रूप में मदद दी जा सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाया जा सके। लक्ष्य था कि खेती और किसानी को एक कैरियर के रूप में देश का किसान अपनावे। इसके लिए उस समय के लोगों ने सोचा था और कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना का काम प्रारंभ करने का निर्णय लिया था। उस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि 10 वर्ष लग गया 1974 में जाकर के पांडिचेरी में पहला कृषि विज्ञान केंद्र बना। जो लोग कृषि वैज्ञानिक हैं उनके ध्यान में होगा, जब देश का पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडिचेरी में उद्घाटित हो रहा था, बड़ा अद्भुत दृश्य था। देश में एक नई उम्मीद जगी थी। उस समय देश के 11 कृषि विशेषज्ञ, जिनको देश कृषि के मामले में विभूति मानता है, मंच पर विराजमान थे, और जो बैनर उसके पीछे लिखा हुआ था फार्म साइंस सेंटर, मुझे लगता है कि इस बात को अगर हम ध्यान में रखेंगे, और मुझे ये वाक्य बराबर ध्यान में रहता है, अभी 25 दिसंबर को देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। उस दिन देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम पूरे देश के किसानों के लिए किया था, किसान सम्मान निधि का। नवीन चौधरी जी ने एक आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में मैं गया था, तब भी मुझे महसूस हुआ था, और आज जब सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र के उद्घाटन समारोह में मुझे अवसर मिला है भाग लेने का, तो मुझे डॉक्टर मेहता की बात याद आ गई, जिन्होंने बड़ी आस्था से 1974 में कृषि विज्ञान केंद्र की आधारशिला रखवाई थी। प्रोफेसर शर्मा और यहाँ मौजूद कृषि वैज्ञानिकों को निश्चित रूप से बात मालूम है कि आज देश में स्थिति बदल गई। 721 कृषि विज्ञान केंद्र, और ठीक कहा कुलपति जी ने कि देश के अनेक राज्यों में हर जनपद में एक कृषि विज्ञान केंद्र तो है ही। कई ऐसे राज्य हैं, मैं जिस जनपद का रहने वाला हूं, पहले से एक था ही, दूसरा भी वहां से स्वीकृत हुआ था 2 साल पहले। ये अफसोस की बात है कि यहां 20 जिले हैं, 17 कृषि विज्ञान केंद्र है। कश्मीर डिवीजन के 10 जिलों में है 10, जम्मू डिवीजन के 10 जिलों में 7 कृषि विज्ञान केंद्र अभी तक कार्यरत है। 3 इसलिए नहीं काम कर रहे कि जमीन नहीं मिली। मुझे लगता है डिविजनल कमिश्नर मेरी बात सुन रहे होंगे। नवीन चौधरी जी, आपसे भी मेरी अपेक्षा होगी कि ये जमीन अनंत काल तक न रुके। संजीव वर्मा जी, आप सुनिश्चित करिए ये जनवरी 31 तक तीनों जनपदों की जमीन कृषि विज्ञान केंद्र के लिए आवंटित हो जाए, आपकी जिम्मेदारी है। बड़े जिले हैं, ये सच्चाई है, और यहाँ आवश्यकता है। मैं नवीन जी से और डॉक्टर शर्मा से आग्रह करूंगा कि जो भी बड़े जिले हैं, प्रस्ताव भेजिए। कृषि विज्ञान केंद्र स्वीकृत कराना कोई बड़ा काम नहीं है। आपका प्रस्ताव जाएगा, निश्चित रूप से वो स्वीकृत हो जाएगा। वो मुझे तो इसमें, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का सफर 1983 में शुरू हुआ।
जम्मू कश्मीर में, और मलंगपुरा पुलवामा में पहला केंद्र बनाया गया था, और दूसरा केंद्र खुलने में यहां भी 10 साल लग गया, 9 साल बाद दूसरा केंद्र खुला। मैंने प्रदर्शनी देखी है, किसानों की भी और कृषि वैज्ञानिकों की भी। एक मेरा विनम्रतापूर्वक कृषि वैज्ञानिकों से अनुरोध होगा कि हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रयोग कर रहे हैं वो किसान तक कैसे पहुंचे, ये अगर हमारे विचार के केंद्र बिंदु में होगा तो निश्चित रूप से इससे समाज को, किसान को लाभ होगा। ये मैं आप सबसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा। पारंपरिक रूप से यहाँ गेहूं, चावल, मक्का की ही पैदावार होती है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि सिंचाई के साधन नहीं है, जमीन ऐसी है कि पानी का पर्याप्त इंतजाम नहीं हो सका है। यही मुझे लगता है कि कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका शुरू हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए, मुझे लगता है कि इसमें मदद हमारे कृषि वैज्ञानिक करेंगे, हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। यहाँ कई ऐसे किसान हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है, मैं उन सबका हृदय से स्वागत करना चाहता हूँ और बाकी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़े, मैं समझता हूँ इससे तब हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी। इन किसान भाइयों ने एक मिसाल कायम की है। पिछले साल नवंबर में एक खबर बड़ी छोटी सी छपी थी, आप लोगों को ध्यान होगा, मैं मानता हूं कि वो बड़े बदलाव का संकेत करती है। मुझे नहीं पता कि कृषि प्रशिक्षण केंद्र की एक महिला अधिकारी है, करुणा निधि, यहां है कि नहीं, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एक ऑफिसर है अस्मिता शर्मा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए कृषि संबंधी प्रशिक्षण शिविर इन लोगों ने लगाया था। अखबार में मैंने यह भी पढ़ा था कि केवल ऑर्गेनिक खेती करने पर इन लोगों ने बल नहीं दिया बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी सार्थक चर्चा की थी। ऐसी बहनें निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम सबके लिए सम्माननीय भी है और प्रेरणा भी देती है। सांबा के लिए एक अनूठी पहल है, कृषि विज्ञान केंद्र की जिम्मेदारियां और उनके कार्य करने का क्षेत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बकायदा परिभाषित किया हुआ है, जिसका जिक्र पहले हुआ है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे नए इनोवेशंस हुए, शोध अनेक प्रकार के हैं। कुछ शोध या कुछ इनोवेशन हम करते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और दूसरा जिस एक्सटेंशन की बात हो रही थी, किसान को उसका लाभ मिले। मुझे लगता है कि दोनों का संतुलन बनाए रखना ये आज के जमाने में बड़ा आवश्यक है। और एडवाइजर फारूक खान साहब ने ठीक कहा, जिन पुस्तिकाओं का विमोचन हुआ है, मुझे लगता है कि कई प्रतिशत किसान उसे पढ़ पाएंगे। कुलपति महोदय, मैं आपसे दोबारा फिर से अनुरोध करता हूँ, स्थानीय भाषाओं में अगर सामग्री नहीं उपलब्ध होगी तो उसका लाभ हम शायद जितना चाहते हैं उतना नहीं दे पाएंगे। और खेती में विविधता लाना यह आज आवश्यक हो गया है। राजेंद्र कुमार जी राजापुरा के हैं, विजयपुर के विनोद कुमार जी ये भी मंच पर थे। बेहतर तकनीक और एक्सटेंशन सपोर्ट जो प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि वैज्ञानिक मिलकर के कर सकते हैं, मुझे लगता है इससे सबसे ज्यादा लाभ यहाँ की जीडीपी को भी होगा, किसान को भी होगा, और पुणे यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हमारे राष्ट्र को भी होगा। इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। खेती लाभप्रद होनी चाहिए, फारूक खान साहब ने कहा कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्थिति हमें पैदा करनी होगी, क्योंकि सामान्य रूप से कोई किसान नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने,
कुलपति जी जरूर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुलपति बन जाए, प्रोफेसर जरूर चाहता है कि मेरा बेटा प्रोफेसर, नेता भी आजकल नेता बनाने में लगे, लेकिन किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा फिर किसान बने। तो इस स्थिति को बदलने के लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी प्रयत्न किया है, पूरा देश एकजुट होकर के अगर इस काम में लगेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी पहली पसंद खेती हो, किसानी हो। मैं समझता हूं कि अगर ये स्थिति हम बना सकेंगे तो शायद आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे बड़ा कदम और सबसे सराहनीय कदम ये होगा। एक प्रमुख संगठन है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड। अभी नवीन चौधरी जी ने उनसे एक एमओयू साइन किया है। मोटे तौर पर अभी 170 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल पूरे जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। इस साल नवीन चौधरी जी का प्लान है 200 हेक्टेयर का। अभी एक एमओयू साइन हुआ है 5500 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल पूरे जम्मू कश्मीर में लगाने के लिए आने वाले 5 वर्ष में। यहाँ के लैंड लॉज में बदलाव हुआ है, आप सबको मालूम है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ, केवल एक कानून का जिक्र करना चाहता हूँ। उस लैंड लॉज में, उस जमीन के कानून में एक प्राविधान था कि अगर सेब का आर्किड, एप्पल आर्किड लगाना है तो भी सरकार से परमिशन लेनी है, और काटना है तो भी सरकार से परमिशन लेनी है। अब उसमें एक बदल की गई है कि किसान को एप्पल आर्किड माने सेब का बगीचा लगाने के लिए किसी परमिशन की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। एक दूसरा समझौते में एक दूसरा बिंदु भी है, सेब के अलावा अखरोट, चेरी, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इन सब की मार्केटिंग के बारे में, उनके स्टोरेज के बारे में 3 कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी एक समझौता हुआ है। आपने पढ़ा होगा अभी सैफरन की जियो टैगिंग हुई है, जिस बात का जिक्र कुलपति जी ने किया कि नवीन चौधरी जी भी गए हुए थे, और भी चीजों की जियो टैगिंग हो सके इस दिशा में भी नेफेड हमारा सहयोग करेगा, मार्केटिंग के लिए भी नेफेड हमारा सहयोग करेगा, और हर जिले में एक पीओ बनाना, उनके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें भी कृषि विभाग के साथ मिलकर के काम करेगा। बदलते समय में संसाधन आवश्यक हैं, लेकिन मार्केटिंग की जरूरत है, और केवल देश में नहीं बाहर भी किसानों के उत्पाद बिक सकें, ऐसी व्यवस्था अगर हम कर सके तो निश्चित रूप से जो बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही है कि दुगनी नहीं 3 गुनी और 4 गुनी, वो निश्चित रूप से हम कर पाएंगे। अब एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी यहां काम हो रहा है, मुझे बताया गया है कौन सी विविधता भरी उपजें हो सकती हैं, ये हमारे विचार का विषय जरूर होना चाहिए, और ये आने वाले समय में हकीकत में तब्दील हो, शोध से जमीन पर उतार सकें, ये मेरी आप सबसे, शोधार्थियों से, वैज्ञानिकों से मेरी प्रार्थना होगी कि इस दिशा में अपने कदम हमें बढ़ाने की जरूरत है। 2500 किसान भाई या तो खुद कृषि विज्ञान केंद्र पर आते हैं या किसी वैज्ञानिकों के संदर्भ में है, ऐसा मुझे बताया गया है। अगर एवरेज निकाले मोटे तौर पर तो 83 किसान प्रतिदिन कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आ रहा है। अगर ये सच है तो मैं निश्चित रूप से कृषि वैज्ञानिकों और पूरे विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। ये भी मुझे जो लिटरेचर गया था उसमें लिखा है कि कृषि विज्ञान केंद्र ने, सांबा के कृषि विज्ञान केंद्र ने 35 इंटरप्रेन्योर भी तैयार किए हैं जो डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, मशरूम कल्टीवेशन, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, बी कीपिंग, बैम्बू क्राफ्ट, पोल्ट्री फार्मिंग इत्यादि क्षेत्रों में ठीक ढंग से काम कर रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं।
अब हमें इस 35 की संख्या को 350 और फिर 3500 कैसे हो, इस दिशा में अगर कृषि विज्ञान केंद्र कोई प्लान बनाएगा भविष्य के लिए, तो मुझे लगता है कि इससे हम अपनी भूमिका का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाएंगे। और ये नामुमकिन नहीं, ये मुमकिन है। हाईटेक पॉली हाउस, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, वैल्यू एडिशन और एनिमल हस्बेंड्री, इन सब क्षेत्रों में जितना हम अधिक काम कर सकेंगे, मुझे लगता है कि समाज को हम निश्चित रूप से, किसानों को विशेष रूप से लाभ दे पाएंगे। संवाद के अब माध्यम बदल गए। सभ्यता का जब विकास हुआ, लोग बोलना नहीं जानते थे, संकेतों से एक दूसरे से संवाद स्थापित करते थे। फिर लोगों ने बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा। अब जमाना दूसरा आ गया, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गई। और मुझे लगता है कि अब जो इंटरनेट की भाषा नहीं जानता, आजकल उसे अनपढ़ लोग कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों से भी संवाद स्थापित करने के लिए इन माध्यमों का उपयोग अधिक से अधिक करने की जरूरत है। ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप कैसे बनाया जा सकता है, बाकी मैसेजेस सोशल प्लेटफॉर्म से कैसे दिए जा सकते हैं, और अगर इन माध्यमों का उपयोग हम करेंगे तो ये संख्या कितनी बढ़ सकती है, इसका अंदाज हम खुद लगा सकते हैं। मार्केट रेट्स की भी जानकारी किसानों को हम दे सकते हैं। मौसम विज्ञान ये कार्यक्रम कर रहा है। अगर यूरोप के देशों को देखेंगे आप, तो डिजिटल सपोर्ट वहां एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट अपने किसानों को सबसे ज्यादा दे रहे हैं। हमारे कृषि वैज्ञानिकों को भी उस दिशा में सोचने की जरूरत है। अब मोबाइल एप्लीकेशंस से पूरे पैकेज तैयार कर लिए जा रहे हैं कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा। स्मार्ट फार्मिंग टेक्नोलॉजी उसका नाम दिया है, और सीधे उसी के माध्यम से संवाद स्थापित करने का काम प्रारंभ हो गया है। मुझे लगता है, मैं आग्रह करूंगा कुलपति जी से और उनके पूरे टीम से, सभी विभागाध्यक्षों से, सभी कृषि वैज्ञानिकों से, इस दिशा में हमें सोच करके डिजिटल टूल्स का भरपूर उपयोग और उससे अधिकतम संवाद हम कैसे स्थापित करें, इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी ने, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 5-6 वर्षों में खेती के लिए, किसानों के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी निर्णय लिए हैं, जिससे कृषि को, खेती को काफी फायदा मिला है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो, फसल बीमा योजना हो, परंपरागत कृषि विकास योजना हो, सॉयल हेल्थ कार्ड मैनेजमेंट हो, नीम कोटेड यूरिया हो, फूड सिक्योरिटी मिशन हो, गोकुल मिशन हो, एक देश एक मार्केट, ये जो निर्णय है, मुझे लगता है कि कृषि जगत में क्रांति लाने वाला। और जम्मू कश्मीर के लिए भी 2 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं, शाहपुर कंडी और ऊंज, इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद जो यहाँ के किसान भाई सिंचाई से वंचित थे, मैं समझता हूँ कि बड़ा भूभाग सिंचाई युक्त हो सकेगा। 4 वर्षों में ये परियोजनाएं पूरी हो। मैं जिक्र कर रहा था 25 दिसंबर के कार्यक्रम का, नवीन चौधरी जी ने आयोजित किया था। 1130 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के किसानों को अभी तक प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि के अंतर्गत प्राप्त हुआ, 1130। और एक बात की प्रसन्नता है मुझे, बाकी राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ के लगभग 100% किसान इसका लाभ पा रहे हैं। दूसरा कोई राज्य नहीं है जिसके 100% किसान को, इक्का दुक्का छूट गया हो तो मैं नहीं कहता, लेकिन 100% किसानों को ये लाभ मिल रहा है। जिन लोगों ने वो कार्यक्रम देखा होगा, प्रधानमंत्री जी एक किसान से संवाद कर रहे थे, वो महाराष्ट्र के किसान थे। सीधे बातचीत में उन्होंने फसल बीमा योजना के बारे में पूछा कि आपने फसल बीमा योजना कराया,
तो उस किसान भाई ने कहां कराया, 2500 रुपया उन्होंने प्रीमियम दिया था। प्राकृतिक आपदा के कारण उनकी फसल को बड़ा नुकसान हुआ और उस किसान ने ही प्रधानमंत्री जी को बताया कि 50,000 रुपया हमको बीमा कंपनी ने प्रदान किया, तो एक बड़ी राहत। मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि हमारे यहां के किसान भाई भी इस बीमा योजना से जितना अधिक से अधिक जुड़ेंगे, मुझे लगता है दैवीय आपदा प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने का एक सबसे बड़ा हथियार हमें मिल सकता है। मैं नवीन चौधरी जी ने जो कार्यक्रम हुए हैं, जो कुछ योजनाएं चली उसके बारे में बताया है। एक देश में बड़े भ्रम की स्थिति बनी है, बनाई जा रही है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, मुझे लगता है कि इसको समझने की जरूरत है और किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भगवान ने सबको, खुदा ने सबको दिमाग दिया है, अपने विवेक का इस्तेमाल करके उसे अपने नजरिए से देख करके तब हम निर्णय करें, ये मेरा आपसे निवेदन है। और मैं मानता हूं, कई बार मैंने पढ़ा, ध्यान से पढ़ा, और मैं मानता हूं कि ये किसानों के हित में लिया गया रिफॉर्म है और इससे खेती और किसानों को भारी लाभ होने वाला है। अपनी जमीन पर किसान स्वयं ही खेती करेगा, जो उपज पैदा होगी उसे कहीं भी कभी भी किसी को भी बेच सकेगा, ये व्यवस्था इस रिफॉर्म में की गई है और इससे पहले से बेहतर आमदनी किसान को मिल सकेगी। खरीदार कौन होगा इसका चयन नवीन चौधरी जी, मनोज सिन्हा नहीं, किसान खुद तय कर सकेगा, ये व्यवस्था इस कानून में की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू था, लागू है और लागू रहेगा, ये बात अनेक बार कही गई है। और जम्मू कश्मीर में तो मैं खड़े होकर के सबके सामने कह रहा हूं कि अगर किसी चीज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित है तो इस साल भी है, आगे भी है और लगातार रहने वाला, इसलिए किसी को भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इसलिए किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि किसी भ्रांति में आने की जरूरत नहीं है। इन रिफॉर्म से एक और अफवाह फैलाई गई कि मंडियां बंद कर दी जाएंगी, एक भी मंडी यहां बंद हुई है, आने वाले दिनों में मंडी बढ़ेगी, मंडी एक भी बंद होने वाली नहीं है। मैं फिर सबको कह रहा हूं, इस बात को जरा ध्यान से सुनने की जरूरत है और मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के भी एक भ्रांति फैलाई गई। मित्रों, मैं बहुत विनम्रता से बात कहना चाहता हूं, उत्पाद का ही लेन देन होना है, जमीन किसान के पास थी, किसान के पास है और दुनिया की कोई ताकत किसान से जमीन नहीं छीन सकती है, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूं और यही है ये नया रिफॉर्म। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, पोल्ट्री, फ्लोरिकल्चर, ये हमारे संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है और हम आपको जिम्मेदारी से बात कहना चाहते हैं, बजट में भी कृषि के लिए और अलाइड सेक्टर्स के लिए हमने प्रोविजन बढ़ाए हैं। दूसरे राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस किसानों के लिए लाभकारी है उनको भी हम यहां लागू करना चाहते हैं और किसानों की मदद में कोई कमी न रहे, इसका भरसक हर प्रयास ईमानदारी से करने की कोशिश हम सब करेंगे। मैं एक बार फिर से इस कृषि विज्ञान केंद्र को यहां के लोगों को समर्पित करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये कृषि विज्ञान केंद्र अपनी शैक्षिक शोध की जिम्मेदारियों के साथ साथ किसानों की बेहतरी
की जिम्मेदारी भी निभाएगा और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, ऐसा मैं मानता हूं। पिछले 8-10 दिनों में कई महत्वपूर्ण फैसले इस यूटी में हुए हैं। एक का जिक्र मैंने किया जो एमयू नवीन चौधरी जी ने अभी नेफेड के साथ किया था। 26 दिसंबर को देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्वास्थ्य विभाग की एक योजना जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए लॉन्च की, उसका नाम है आयुष्मान भारत सेहत सेहत नाम। आप सबको मालूम है कि आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी देश के हर राज्य में। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग 2011 के सेंसस मैंने जनगणना के आधार पर जो लोग हैं उन परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा मिलती है। देश भर में 12,000 से ज्यादा अस्पताल हैं जो चिन्हित किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में भी 124 अस्पताल हैं ऐसे, सरकारी और निजी। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के 32-33 लाख लोग आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा प्रतिवर्ष पा रहे थे। जो सेहत नाम की स्कीम शुरू की गई है, जम्मू कश्मीर यूटी के हर व्यक्ति को, हर परिवार को, मैंने 1,35,00,000 में जो रह गए हैं 1,03,00,000, सबको अब 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा प्रतिवर्ष सेहत स्कीम के अंतर्गत मिलेगी। मैं समझता हूं कि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम इस संघ राज्य क्षेत्र के लिए किया। कल लंबे समय से हम सब इंतजार कर रहे थे, कई अवसरों पर मैंने कहा था कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आने वाली है देश की कैबिनेट में, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में बुधवार को उसकी स्वीकृति प्रदान की। कल प्रेस को मैंने बताया था, यहां इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि किसान भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, पहली बार इंडस्ट्रियल पॉलिसी जब देश के प्रधानमंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तब यहाँ के लिए लागू हुई थी। वो 2012 तक चली थी, 2002 से 2012। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2012 में आई थी, तीसरी आई। तो मोटे तौर पर 2000 से लेकर के 2020 तक जो इंसेंटिव मिले हैं वो 1,123 करोड़ के। और इस बार जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है भारत सरकार ने, डेट ऑफ नोटिफिकेशन से लेकर के 2037 तक 17 साल के 28,400 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भारत सरकार यहां उद्योग लगाने के लिए दे रही है। पहले सर्विस सेक्टर को उद्योग का दर्जा नहीं था, उसे भी दिया है। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए 50% और सामान्य डिस्ट्रिक्ट के लिए 30%। जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है उनको कैसे बढ़ाया जाए इसके लिए भी प्राविधान किया है। जीएसटी लिंक्ड इंसेंटिव भी दिया है। सामान्य रूप से यहां के लोग सरकारी नौकरियों पर आश्रित रहे, और आप सबको मालूम है कि वो कहां तक पहुंच गया है। बिहार में जितने सरकारी कर्मचारी हैं उतने ही जम्मू कश्मीर में, और अगर आबादी देखेंगे बिहार की और जम्मू कश्मीर की तो शायद तब स्थिति आपको स्पष्ट हो जाएगी। मैं मानता हूं कि आने वाले 2-3 वर्षों में 20-25 हजार करोड़ का निवेश जम्मू कश्मीर यूटी में इस पॉलिसी के कारण आएगा। न्यूनतम 5 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और अप्रत्यक्ष रोजगार की संख्या का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता है, ये निश्चित रूप से यहां पैदा होने वाला है आने वाले 2-3 वर्षों में। सड़क, पानी, बिजली, आजादी के 70 वर्ष से ज्यादा हो गए, इन सब समस्याओं से लोग, इन सब समस्याओं को लोगों ने पीछे छोड़ दिया, लेकिन अभी हमें इन समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है, कोई सुखद स्थिति नहीं है। मोटे तौर पर 3500 मेगावाट बिजली हमारे यहां बनती है, हर 600 मेगावाट बिजली हम हर महीने खरीद रहे हैं, और जो खरीदते हैं उसका 25% पेमेंट पाते हैं, बाकी 75% का भुगतान नहीं होता है। जो बिजली हम लेते हैं उसमें भी 17% बिजली हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कैपेसिटर्स लगे हैं काम नहीं कर रहे,
स्लीपिंग रोड जम्मू के इलाके में खास तौर से जमुई है। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री ये भी आए थे पिछले दिनों 3 जनवरी को 3450 मेगावाट बिजली बनाने का एक मूल एनएचपीसी के साथ हमारे संघ राज्य क्षेत्र ने दस्तखत किया है। 4 वर्षों में बिजली बन जाएगी। मुझे बताया गया कि जम्मू में गर्मियों में बिजली की हालत बड़ी खराब रहती है। मैं एक दिन रिव्यू कर रहा था, मुझे आश्चर्य हुआ जम्मू के रहने वाले एक निवासी जो पावर ग्रिड में काम करते थे, रिटायर हो गए हैं बेचारे, उन्होंने मुझे मेल किया कि साहब मैं 7 साल पहले जब ये ट्रांसमिशन लाइन बन रही थी तो मैं काम करता था, ये गैप मैंने उस समय देखे थे, 1 साल से मैं जम्मू में रह रहा हूं, मुझे लग रहा है कि उसमें कोई अभी बदलाव नहीं हो पाया है, तो बिजली अगर आप लेंगे भी ज्यादा तो लोगों को दे नहीं पाएंगे। उनको मैंने बुलाया, उनसे चर्चा की, उस दिशा में कोशिश कर रहे हैं। इस गर्मी में तो मैं नहीं भरोसा दे सकता, लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म मेजर जरूर लिए जाएंगे ताकि पिछली गर्मी से थोड़ा बेहतर हम कर सके। लेकिन बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐसा दुरुस्त जरूर बनाना है, और वो काम अनंत काल तक नहीं चलने वाला है। एक ट्रांसमिशन लाइन बने 11 साल हो गया, अभी पूरी नहीं हुई, वो 2-2.5 साल में उसे निश्चित रूप से पूरा करना है कि बिजली रहे तो घर तक जरूर जाए। सामान्य रूप से देखिए देश के दूसरे राज्यों में गांव में 18 घंटे 20 घंटे बिजली मिल रही है। जम्मू श्रीनगर की बात मैं नहीं करता, छोटे जो जिला केंद्र है वहां 22 घंटे बिजली मिल रही है। अभी हम 8 घंटा 10 घंटा ठीक से बिजली मिल जाए इसके लिए ही युद्ध कर रहे हैं। इस दिशा में भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। जहां तक पानी का सवाल है, प्रधानमंत्री जी ने जो योजना शुरू की जल जीवन मिशन के नाम से, हर घर को नल से पानी और पोर्टेबल वाटर मिले, भारत सरकार पैसा दे रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 2022 दिसंबर में, उसके आगे 3-4 महीने में हर घर तक नल से पानी हम पहुंचाने में निश्चित रूप से समर्थ और सफल होंगे। सड़कों में जो प्रगति पिछले 3-4 महीने में हुई है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, और मैं बड़े गर्व से बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जम्मू कश्मीर आज नंबर 1 हो गया, नंबर 1। और जो स्वीकृतियां हमें प्राप्त हो रही हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब इस वर्ष की स्वीकृति के बाद जम्मू कश्मीर पूरे संघ राज्य क्षेत्र में 250 आबादी का कोई गांव नहीं बचेगा जिसके लिए भारत सरकार सड़क स्वीकृत नहीं कर देगी, कोई एक नहीं बचेगा। और यह है कि आज कह देंगे मीडिया के हमारे साथी छाप देंगे अब सब सड़क बन जाएगी, में 2.5 साल 3 साल लगेगा, यहाँ की टोपोग्राफी यहाँ की ज्योग्राफी आप देख रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हर गांव सड़क से जुड़ जाए, ये 2.5 साल में निश्चित रूप से हम पूरा कर लेंगे। अनेक मोर्चों पर हम सब काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज का जो ये अवसर है इसको मैं सबसे महत्वपूर्ण अवसर मानता हूं, और अगर किसान की तकदीर हम बदल सके तो निश्चित रूप से देश की तकदीर हम बदल सकेंगे। अपनी मेहनत से जाड़ा की परवाह किए बिना सब कुछ दाव पर लगा करके जो खेती करता है, मुझे लगता है कि वही देश का भविष्य बदल सकता है। मैं कुलपति महोदय, उनकी पूरी टीम का आभारी हूं कि मुझे इस अवसर पर आपने आने का मौका दिया। मैं सभी किसान भाइयों को हृदय से नमन करता हूं, यहां सभी सज्जन वृंद को नमस्कार करता हूं, और फिर से ये शुभकामना देता हूं, उम्मीद करता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र सांबा इस इलाके के किसानों के भविष्य को संवारने में अपना पूरा योगदान देगा। इसी उम्मीद के साथ 2 पंक्तियां पढ़ते हुए अपनी बात में खत्म करना चाहता हूं। हसीन लगते हैं जाड़ों में सुबह के मंजर, हसीन लगते हैं जाड़ों में सुबह के मंजर, सितारे धूप पहनकर निकलने लगते हैं। पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, जमी जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं, जहां जमी जहां भी खुले घर
निकलने लगते हैं। उम्मीद करता हूँ कि शायद कृषि विज्ञान केंद्र इस जमीन में भी घर निकालने की पूरी कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।